नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। आज का विषय रखते हैं मानसिक बीमारियां, साइकोलॉजिकल डिजीजेज या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आज जो भी बीमारियां शरीर में हो रही हैं या मन पर जो बीमारियां अपना प्रभाव डाल रही हैं, मूल रूप से अगर देखा जाए तो सारी बीमारियां ही अभी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के रूप में हमारे शरीर में या हमारे मन पर अपना प्रभाव डाल रही हैं। साइकोसोमेटिक मतलब पहले वो जो बीमारी या समस्या है वो हमारे मन पर, हमारे विचारों पर असर करती है, और उसके बाद वो सोमेटिक करेक्टर्स पैदा करती है, फिर वो शरीर पर हमारे नुकसान पहुँचाना चालू करती है। साइकोसोमेटिक इन सारी समस्याओं में हम अगर विशेष ध्यान दें तो इन समस्याओं के होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। मानसिक रूप से कोई भी बीमारी से हम ग्रस्त होते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है हम या हमारी असंतुष्टि। हम हताश या निराश कब होते हैं? जब हम किसी चीज से आस ज्यादा रखते हैं, आसक्ति हमको ज्यादा होती है, लगाव हमको ज्यादा होता है, मोह किसी चीज से हमको जब ज्यादा होता है और जिस चीज को लेकर हमको आसक्ति, मोह, लगाव ज्यादा था वो अगर नहीं हो पाया तो फिर हम उसको अपने मन पर ज्यादा ले लेते हैं। मानसिक रूप से उसके नहीं होने पर हम अपने आप को व्यथित महसूस करना चालू कर देते हैं और उसकी वजह से धीरे 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 करके हमारा मन दुखी रहना चालू हो जाता है, और मन के दुखी होने की वजह से हम डिप्रेशन नाम की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। एंग्जाइटी जिसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी, घबराहट ऐसे लक्षण आते हैं वो समस्या हो जाती है। एक समस्या और होती है मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, इसमें कभी कभी मैनिया मतलब एंग्जाइटी के लक्षण आते हैं और कभी कभी डिप्रेशन, तो दौर चलता है इसका कि कभी डिप्रेशन जैसा लग रहा है और कभी एकदम से बहुत ज्यादा हाइपर हो गया दिमाग तो बर्तन फेंकना चालू कर दें। तो MDP या फिर जो और समस्याएं हैं जो मानसिक स्तर पर हमारी असंतुष्टि से हमारे शरीर में या हमारे मन को प्रभावित कर रही हैं, उनमें सिज़ोफ्रेनिया। आज से कुछ समय पहले तक जब हम लोग पढ़ते थे उस समय सिज़ोफ्रेनिया की स्पेलिंग तक एग्जाम में आ जाती थी कि सिज़ोफ्रेनिया की स्पेलिंग लिख दे कोई, इतना नया सा रोग हुआ करता था। लेकिन अब सिज़ोफ्रेनिया के मरीज दुनिया भर की तादाद में देखने को मिल रहे हैं। तो ये है क्या, ये मानसिक दबाव की वजह से जो हम दबाव में जीवन जी रहे हैं, जब दबाव में ही जी रहे हैं, सवेरे से लेके रात तक हम काम के प्रेशर में रहते हैं, फिर घर पर आते हैं तो घर में दुनिया भर के काम रहते हैं, उनका दबाव हमारे मन पर बना रहता है, ये करना है, इतना करना है, इसका जब पूरा फाइनल हो जाए तो हमको वो भी करना है। प्लानिंग जरूरी है लेकिन उसके लिए इस तरीके से लग जाना कि हम अपने शरीर और अपने मन को इतना परेशान कर दें कि उसकी वजह से हम बीमार रहना चालू हो जाएं, ऐसा जीवन का क्रम, ऐसी जीवन शैली, फिर वो हमारी गलतियां हों, उसमें फिर हम अगर बीमार होते हैं या परेशान होते हैं तो उसका रीजन हम खुद होंगे। मानसिक बीमारियों में सबसे पहला रीजन जो रखा जाता है वो है हमारा रहन सहन, हमारा खान पान,
हम कहाँ रह रहे हैं वो माहौल, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं वो माहौल, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस बात को महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि मन पर असर बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए आज हम खराब माहौल में गए और आज ही हमको मानसिक रोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सनेह सनेह रोग चढ़ता है शरीर पर, लेकिन ऐसा मानते हैं कि कुसंगति या विसंगति में अगर कोई रहेगा तो जैसी संगति में रह रहा है वैसा हो जाएगा। अब वो तो है नहीं कि चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग, ऐसा हर व्यक्ति नहीं हो सकता ना। माहौल का प्रभाव तो पड़ता ही है, हमें उसी माहौल को सही करने की आवश्यकता है अगर हम मानसिक बीमारियों से अपने आप को या फिर अपने परिवार को, समाज को, देश को, दुनिया को बचाना चाह रहे हैं। तो माहौल को बदलने की सबसे पहली आवश्यकता है। ऐसा बोला जाता रहा है प्राचीन काल से कि हम जैसा खाएंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। तो आहार का भी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा और बहुत गहरा असर होता है। सात्विक भोजन, अभी तो मैं पढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों पहले, तो एक जगह मुझे पढ़ने को मिला भी कि अगर मानसिक रोगों को पूरे तरीके से स्वस्थ करना है, पूरे तरीके से सही करना है, तो फिर हमको सात्विक भोजन करके अपने शरीर की प्रवृत्ति जो है वो सात्विक प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। और जैसे ही हमारे शरीर की प्रवृत्ति सात्विक होगी तो हम मानसिक रोगों से स्वतः ही बचना चालू हो जाएंगे। सात्विक आहार, मैंने आहार के विषय में जब भी बोला है हमेशा बोला है कि केवल मुंह से ग्रहण किया हुआ आहार आहार नहीं है। आहार वो है लेकिन अकेला वही आहार है ऐसा नहीं है। हम आंखों से जो देख रहे हैं, हम कानों से जो सुन रहे हैं, हम नाक से जो सूंघ रहे हैं, हम त्वचा से जो अनुभव कर रहे हैं, वो सब भी हमारे शरीर के लिए आहार जैसे ही हैं। वो हमारे शरीर के विभिन्न जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके लिए आहार ही तो है। इन सब का भी हमको ध्यान रखना है। आजकल जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट कुछ हैं, मेरे बहुत अच्छे जानने वाले भी कुछ लोग हैं, उन्होंने अपने अपने रिहैबिलिटेशन के सेंटर्स बना रखे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि केवल हम डिप्रेशन किसी को हुआ एंटी डिप्रेसेंट्स दे दें, एंग्जाइटी किसी को हुई तो हम एंटी एंग्जाइटी के ड्रग्स दे दें, स्लीप इंड्यूजर्स दे दें, नींद आने की दवाइयां दे दें, मन बार बार एक ही चीज को सोच रहा है तो मन के मस्तिष्क के सोचने की, मन और मस्तिष्क में अंतर होता है। मस्तिष्क का मतलब होता है ब्रेन, मन का मतलब, मन कोई अंग नहीं है। शरीर के ऊपर से सिर से लेकर के तलवों तक पूरा शरीर खोल दीजिए, मन नाम का अंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मन, माइंड की परिभाषा होती है विचारों का संग्रह, जहां दो या दो से अधिक या फिर बहुत अधिक जब विचार मिलते हैं, विचारों का संग्रह जहां होता है वही तो मन है। आज मन बहुत खराब है, इसका मतलब लीवर जैसे खराब है आज लीवर बहुत खराब है, ऐसा थोड़ी है। आज मन बहुत खराब है, आज विचार खराब आ रहे हैं इसलिए मन बहुत खराब। आज मन बहुत प्रसन्न है, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, मन प्रसन्न है। मस्तिष्क के सोचने की क्षमता को कम करने की दवाई अगर हम एंग्जाइटी में दे दें, अगर वही दवाई हम लंबे समय तक दे दें किसी को, तो वो नुकसान भी कर सकती है, फायदा करती है। इमीडिएट इफेक्ट तो हमको दवाइयों से लेने ही पड़ जाते हैं कभी कभी, अगर मरीज बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति में हमारे पास भी आता है, बहुत परेशान हो रहा है,
तो कुछ समय के लिए हम भी उसको सलाह देते हैं कि किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलकर कुछ दिन के लिए आप कुछ दवाइयाँ ले लो और फिर हमारे पास आ जाओ, दवाइयाँ भी लेते रहो और जो हम बता रहे हैं वो भी करते रहो। जैसे जैसे प्राकृतिक जीवन शैली, सात्विक आहार, सात्विक रहन सहन, अच्छा वातावरण, इन सब का असर शरीर पर आना चालू होगा तो दवाइयों को धीरे धीरे करके कम कर दिया जाएगा। और फिर जो चीजें हम सिखाएंगे समझाएंगे उनको अगर भविष्य में घर में फॉलोअप पर रखा जाए तो हमको दवाइयों की भविष्य में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि यहाँ से गए 6 महीने तक बिल्कुल ठीक ठाक रहे, क्योंकि 6 महीने तक तो जो यहाँ से गए थोड़ा बहुत तो शमशान या वैराग्य टाइप का, कि शमशान से जब हम लौट के आते हैं थोड़ा बहुत तो हम सोचते ही हैं, कुछ 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 मिनट ही के बाद भूल जाते हैं कि हम कहाँ से जाके आए हैं। होता है कि हम शमशान जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे देखो कमाया इतना, सब छोड़ के चले गए, कौन साथ में ले जाता है, तो क्या करना है, क्या कमाना है। लेकिन ये बात कब तक दिमाग में, किसी के में तो 2, 5, 10, 15 मिनट, किसी के में मिनटों तक रहती है, किसी के में घंटों तक रहती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों तक इस बात को अपने मन में बिठा के रखते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक ऐसा वाला वैराग्य अगर मन में बना रहे वो संभव नहीं है, होते ही नहीं। आज का जीवन ही ऐसा है, आज का युग इस तरीके से चल रहा है, सांसारिक जीव हैं हम सब। तो जरूरी जहां है वहां नियमों का पालन करने की जरूरत पड़ती है, और नियमों का पालन अगर हम करते रहे तो हम सभी प्रकार के मानसिक रोगों में बहुत अच्छा आराम पा सकते हैं। और मानसिक रोगों में बहुत अच्छा आराम पाने के लिए सबसे पहले शुरुआत हम जो कर सकते हैं वो है सात्विक आहार से। सात्विक आहार में सात्विक आहार समझने की जरूरत है। सात्विक आहार, शुद्ध आहार, एक तो हो गया जो खाद्य पदार्थ हम ले रहे हैं, उसके अलावा अच्छा सुनना, अच्छा सूंघना, अच्छा देखना, अच्छा अच्छा महसूस करना, स्पर्श अगर कोई करे तो अच्छे प्रेम के भाव से स्पर्श करे, वो जो है वो होगा आपका पूरा कंप्लीट सात्विक आहार। सात्विक आहार में आहार जहां शब्द आता है वहां ये भी आ जाता है कि आहार की शुद्धि जो होती है, दो प्रकार तो कम से कम, वैसे तो चौका सिद्धि बोलते हैं, चार प्रकार की शुद्धियां आहार से संबंधित, लेकिन दो तो कम से कम हमें ध्यान रखनी ही चाहिए, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि। द्रव्य शुद्धि का मतलब होता है कि जो आहार लाने की हमने व्यवस्था करी है, पैसे से हमने सामान खरीदा है, क्योंकि अब मुद्रा विनिमय चलता है, हम पैसा देते हैं तो सामान हमें दिया जाता है, जब विकास होना चालू हुआ था उस समय पहले वस्तु विनिमय चलता था कि हम आपको जो हम उगा रहे हैं वो वस्तु दे देते हैं, आप हमको वो दे दो जो आप उगा रहे हो। चार लोगों ने चार चीजें उगाई हैं, थोड़ा थोड़ा आपस में मिल बांट करके चार चार चीजें सबके पास हो गई, अब वो मुद्रा विनिमय के हिसाब से है। तो जो द्रव्य शुद्धि, जो हम कमाते हैं पैसा, वो हम कैसा कमा रहे हैं, वो सात्विक है कि नहीं है, बहुत ही गहन विषय हो जाता है, हम सोच ही नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि कौन देख रहा है। हम छोटे से किसी बैंक में जाते हैं या हम किसी के ऑफिस में जाते हैं तो वहां लिखा रहता है सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं, और हम सावधान हो जाते हैं कि कैमरा देख रहा है, कुछ ऐसी हरकत करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन हम ईश्वर के कैमरे की नजर में हमेशा हैं, एक एक पल ईश्वर हमको देख रहा है। कैमरा तो जो हम करते हैं वही रिकॉर्ड कर पाता है, ईश्वर का कैमरा तो ऐसा है जो हम सोचते हैं वो भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो हम कहां किसको धोखा दे सकते हैं, नहीं दे सकते।
जरूरी है कि हम यहां थोड़ा सा सुधार कर दें तो सारी जड़ ही खत्म हो जाए, लेकिन यहां सुधार करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत प्रयास और बहुत संतोष की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा स्लोगन, जब आवे संतोष धन सब धन दूरे समान। प्रयास अवश्य करें द्रव्य शुद्धि का भी, कि जो हम कमाएं किसी के मन को आहत करके ना कमाएं, जो हम एकत्रित करें किसी दूसरे के मन को दुखाकर ना एकत्रित करें। हमारी तो संस्कृति में यह चीज रही है कि हम जब पेड़ से फल भी तोड़ते थे, पौधे से फूल भी तोड़ते थे, औषधीय पौधों से जब औषधि लेते थे तो हर पौधे से औषधि फल फूल लेने के पहले प्रार्थना करते थे कि आपके पास जो है वो कृपया कर हमें दे दीजिए, हमें अति आवश्यकता है, और उसके बाद हम लेते थे। हम अभी क्या कर रहे हैं, पूरा पेड़ उखाड़ दे रहे हैं। तुलसी बहुत फायदेमंद है, तुलसी का पेड़ ही उखाड़ ले आए घर। किसी की भावनाओं को आहत करके अगर हम अपना भला करने का प्रयास करेंगे, नहीं होगा, क्षणिक हो भी जाएगा, थोड़ा बहुत देर के लिए, थोड़े बहुत दिन के लिए, दिन से महीने साल समझ लीजिए कुछ साल निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो लेखा जोखा होता है और वहां हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए द्रव्य शुद्धि। दूसरे नंबर पर आती है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि, भोजन करते समय हमारे भाव कैसे हैं, भोजन बनाते समय भोजन बनाने वाले के भाव कैसे थे। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, माँ जब भोजन बनाती है, घरों में कभी कभी प्यार भरी मीठी लड़ाइयाँ इस विषय को लेकर भी हो जाती हैं, हमारा खाना पसंद ही नहीं आता, मम्मी जो बनाती हैं वही पसंद आता है। यहाँ मैं ये नहीं कहना कि पत्नियाँ जो खाना बनाती हैं वो अच्छे भाव से नहीं बनाती, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, भाव उनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस विषय को छोड़ देते हैं, लड़ाइयां हो जाएगी। विषय लेते हैं, हम मंदिर में प्रसाद बनाते हैं, मंदिर का प्रसाद हमको बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि प्रसाद बनाते समय मंदिर के आसपास जो जगह थी वहां बनाया गया था, अच्छे लोग थे, अच्छे भाव उत्पन्न हो रहे थे, अच्छा वातावरण था, मंदिर में भगवान की मूर्तियां हैं, भजन चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छा लग रहा है, तो वहां अच्छे भाव थे, अच्छे भाव के साथ भोजन बनाया गया, अच्छा बनेगा, पौष्टिक होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। और किसी की मृत्यु हो जाए और मृत्यु उपरांत जो बहुत लंबे समय से एक प्रथा चली आ रही है कि भोजन बना करके खिलाया जाता है, लोग आ रहे हैं, परेशान हैं, भावनाएं आहत हुई हैं, रो रहे हैं, ऐसा माहौल बना हुआ है, तो जो बना रहे हैं उनके मन में भी वैसे ही भाव होंगे, उस भोजन में भी वैसे ही भाव जाएंगे। वो भोजन मेरे हिसाब से स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो भाव शुद्धि भी बहुत जरूरी है। भाव शुद्धि में हम भोजन किस भाव में कर रहे हैं, हमारे तो ये भी कहा जाता था शोक क्रोध तनाव ऐसी अवस्था में भोजन ना करें, क्योंकि ऐसी अवस्था में हमारे भाव खराब होते हैं। ये सब भाव ही तो हैं, ऐसा थोड़ी गुस्सा आ रहा है, हमको बहुत क्रोध आ रहा है, क्रोध कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, कोई वस्तु थोड़ी है जो आ रही है हमारी तरफ, नहीं, हमारे भाव हैं, हमारे विचार जो हैं वो क्रोध प्रकट करवा रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में
जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो उसी हिसाब के होंगे, वो हमको नुकसान करेंगे। तो भाव शुद्धि और द्रव्य शुद्धि अगर युक्त आहार में हमने पूरा ध्यान रख लिया इनका। दूसरा, आजकल जो हम भोजन करते हैं वो टीवी के सामने बैठ करके, महाभारत चल रहा है, रामायण चल रही है, अच्छी चीज़ें हैं, चलो कर सकते हैं, मूवी चल रही है, फाइट का सीन चल रहा है, या कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, ऐसे समय में हम भोजन कर रहे हैं, या फिर हम फोन पर बात करते हुए भोजन कर रहे हैं। एक समय में एक ही काम, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक है साध है सब सद है, और सबको साधने की कोशिश के चक्कर में सब चला जाता है, कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए ज़रूरी है, हमारे तो पूर्वज भोजन करते समय बिल्कुल मौन रहकर भोजन किया करते थे, कि अगर कुछ मांगने की भी ज़रूरत पड़े तो बर्तन बजा सकते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं कि हमको रोटी दे जाओ या हमारी सब्जी खत्म हो गई सब्जी दे जाओ। तो ऐसे संस्कार थे, धीरे धीरे करके हम भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, उसका नुकसान भी उठा रहे हैं। तो आहार शुद्धि अगर हम करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो सात्विक आहार में आपको समझ में आया होगा कि प्राकृतिक आहार, जैविक आहार जो होता है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, बहुत ज़्यादा तेलीय चीज़ें, बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक, या फिर ऐसा खाना जो हम पचा नहीं पाए, वो खाना अगर हम खाएंगे तो वो हमारे लिए शरीर में एसिडिटी पैदा करने का काम करेगा, और जैसे जैसे हमको एसिडिटी होगी, पित्त बढ़ेगा, क्रोध पित्त निज छाती जाना, क्रोध बढ़ेगा तो फिर से मानसिक रोग आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो एसिडोजेनिक फूड हमको नहीं लेना है, हमें अल्कलाइन वाला फूड ज़्यादा लेना है। ज़्यादा मात्रा में सलाद खाइए, ज़्यादा मात्रा में ताजे मौसम के अनुसार जो फल आ रहे हैं वो खा सकते हैं, उबली हुई सब्जियां ज़्यादा खा सकते हैं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं, कुछ सूखे मेवे अगर हम खाने के योग्य हैं। योग्य का मतलब ये नहीं कि हमारे पास पैसे हैं कि नहीं, योग्य का मतलब होता है हम पचा पाएंगे कि नहीं पचा पाएंगे, हम इतना काम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम वो भी खा सकते हैं। तो ये सारा भोजन का। दूसरा होता है कि कैसे भी करके हम अपने आप को व्यस्त करने का काम करें। अब व्यस्त तो हम काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि तनाव हो जाता है व्यस्त रहते रहते, तो काम में व्यस्तता के अलावा हम व्यायाम की व्यस्तता थोड़ी बहुत खोजें शरीर के लिए। और व्यायाम की व्यस्तता में बहुत अच्छा काम जो हो सकता है, आप टहल सकते हैं, लेकिन एक बार में टहलते समय भी गड़बड़ियाँ होती हैं, महिलाएँ टहलती हैं, चार महिलाएँ आपस में अपनी घर की बातें करते हुए, अपनी सास, अपनी बहू, अपनी ननद, अपनी जेठानी, देवरानी, इन सब की बातें करते हुए टहल रहे हैं। अगर ऐसा कोई विषय नहीं है तो इस वाले सीरियल में रात को ये वाला हुआ था, वैसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ये बातें करते हुए टहलते हैं, बात करते हुए नहीं टहलना है। फिर से वही बात, टहलते समय केवल टहले, एक है साधे सब सदे। पुरुष भी राजनीति की सारी बातें, अपने ऑफिस की बातें, तो बात करते हुए नहीं टहलना है, बिल्कुल मौन होकर के आप 20 लोग एक साथ टहलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में बात नहीं करेंगे, फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, लोग ईयरफोन लगा करके अच्छे अच्छे गाने चला करके चल रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। जहाँ जो हम कर रहे हैं पूरा ध्यान उस पर रहे, यही तो योग है। योग कोई अलग से ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ विशेष करने को योग कहते हैं, नहीं, हम जो कर रहे हैं अगर हम उसमें अपने शरीर को साथ में जोड़ दें, अपने मन को अपने शरीर की कार्यविधि क्रियाविधि के साथ जोड़ने की प्रक्रिया ही तो योग है, वही करें अच्छा रहेगा। आप आसन कर सकते हैं आसन करें, प्राणायाम कर सकते हैं तो प्राणायाम करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम जो होता है बहुत अच्छा है, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या के लिए बहुत फायदा करता है। किसी भी प्रकार का गुस्सा, तनाव, थकान, इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा करेगा। भ्रामरी प्राणायाम होता है, भ्रामरी प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है, बहुत फ़ायदा करता है। चंद्र अनुलोम विलोम चंद्रभेदी शरीर में ठंडक पहुंचाने का काम करता है। क्रोध पित्त निज छाती जाना, क्रोध और पित्त दोनों को अगर ठंडा करना है तो शीतल प्रकृति का प्राणायाम करना है, तो चंद्र अनुलोम विलोम चंद्रभेदी शीतल शीतकारी अच्छे प्राणायाम है, शरीर में ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके साथ में हम रिलैक्सेशन के कुछ टेक्निक्स होते हैं वो कर सकते हैं, समासन का अभ्यास कर सकते हैं। समासन का अभ्यास बहुत अच्छा रहे, समासन का अभ्यास अगर हम करें तो बहुत फायदा हो सकता है।
शवासन के लिए शवासन का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से आपको शवासन करना है जो पूरा लाभ दे। इसके अलावा एक बहुत अच्छा स्लोगन जो हम उपयोग में ला सकते हैं, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिकेशन, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिकेशन फॉर ऑल काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, कैसी भी बीमारी हो, मेडिटेशन आपकी सारी समस्याओं के लिए रामबाण औषधि का काम कर सकता है। लेकिन मेडिटेशन को समझना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन को समझने के लिए मेडिटेशन का पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। मेडिटेशन अगर हम करना चालू कर दें, पूरे तरीके से अपने मन को अपने शरीर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया ही तो ध्यान है, और उसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप रहेगा। आजकल ध्यान के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सजग रहने की जरूरत पड़ती है, बहुत स्थिरता की आवश्यकता होती है। तो मेडिटेशन इज बेस्ट मेडिकेशन, आप इस बात को ध्यान में रखें। और अगर हम किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में मेडिटेशन करने की स्थिति तक अपने आप को ले आते हैं अगर, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत जल्दी बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। तो आहार और व्यायाम में हमने टहलना, आसन, प्राणायाम या ध्यान, इनको किया, इनको करने से बहुत अच्छा लाभ होगा। प्राकृतिक चिकित्सा, अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की देखें तो हल्के निमाय से गुनगुने पानी में रात को सोने से पहले आधा बाल्टी पानी भरा, उसमें पैर डाल के बैठना है, ये स्लीप इंड्यूज़र है जो आपको नींद लाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। ये हल्का निमाया गुनगुना पानी, पैर उसमें डाल के बैठेंगे, पैर की खून की नलियाँ गुनगुने पानी की वजह से फैलेंगी, ऊपर से खून नीचे की तरफ डायरिवेट होगा, ब्रेन पर हल्का सा सजेशन आएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से नींद आना चालू होगी। एक दिन में, दो दिन में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, दो तीन चार दिन के बाद आना चालू हो जाएगी, तो ये प्रोसेस कर लीजिए। इसके बाद जब पैर निकालें, पैरों को पोंछें, उसके बाद नाक में षटबिंदु तेल, अणु तेल या देसी गाय का शुद्ध घी, दो दो ड्रॉप, एक एक दो दो ड्रॉप दोनों नाक में डालें, नेजल लुब्रिकेशन हो ताकि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का आदान प्रदान बना रहे, ऑक्सीजन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहे, सोते समय नाक बंद ना हो, आपको डिस्कम्फर्ट ना लगे, एक बार नींद आए तो वो पूरी नींद, गहरी नींद आए, साउंड स्लीप का अभ्यास आप कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है नेजल लुब्रिकेशन होना। ये ब्रेन के लिए टोनिक का भी काम करेगा, ब्रेन का लुब्रिकेशन, या हम नेजल लुब्रिकेशन के माध्यम से जब नाक बिल्कुल खुली रखते हैं तो श्वास का आना जाना होता है, श्वास का आना जाना होता है, पूरे तरीके से शरीर में अच्छी हवा जाती है और ख़राब हवा जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रत वायु है वो बाहर आ जाती है, तो ये धीरे धीरे करके हमारी नींद को लाने में हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं। बहुत अच्छा रहेगा अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, इन बातों का अगर हम फॉलोअप करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी बीमारियां मानसिक रूप से हमको परेशान कर रही थी, उन समस्याओं से हम धीरे धीरे करके निजात पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।